आर्टिकल 370 पर सुनवाई के तीसरे दिन। तब बदला था सुप्रीम कोर्ट का माहौल। सीजीआई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 पर ही उठा डाले थे सवाल। आर्टिकल 370 की सुनवाई के तीसरे दिन क्या अहम रहा, वन इंडिया हिंदी अपने इस सीरीज को जारी रखते हुए बताने जा रहा है। दरअसल उस दिन सुप्रीम कोर्ट का माहौल तब बदल गया था जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से ही एक अहम सवाल पूछ डाला। ये सवाल आर्टिकल 370 के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहा था। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये सवाल संविधान के हवाले से उठाया था। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 370 पर 16 दिनों की पूरी हो चुकी सुनवाई के तीसरे दिन सीजीआई ने क्या अहम सवाल उठाए थे। आर्टिकल 370 खुद कहता है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के तीसरे दिन की सुनवाई में सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल से आर्टिकल 370 के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। सीजीआई ने कहा था कि आर्टिकल 370 तो खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है, जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा था कि आर्टिकल 370 में संशोधन तक नहीं हो सकता है कि इसे हटाने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। जिसके बाद सीजीआई ने सिब्बल का समर्थन तो किया लेकिन यह भी कह डाला कि सरकार के पास खुद ही इसमें संशोधन का पावर नहीं है। जस्टिस खन्ना ने दागे मॉडिफिकेशन पर सवाल। इसके बाद कपिल सिब्बल से सीजीआई बेंच के सदस्य जज जस्टिस खन्ना ने आर्टिकल 370 के मॉडिफिकेशन पर सवाल किए। उन्होंने सिब्बल से पूछा कि आर्टिकल 370 के क्लॉज डी के मुताबिक क्या प्रेसिडेंट इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तब उसकी प्रक्रिया क्या होगी? जिसके जवाब में सिब्बल ने एक बार फिर दलील दी कि आर्टिकल 370 में संशोधन किया ही नहीं जा सकता है, कोई भी संविधान सभा की जगह नहीं ले सकता है। ऐसे में इस मामले में जो काम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते वो काम आप इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिस खन्ना ने पूछा था कि क्या इंटरप्रिटेशन क्लॉज में अमेंडमेंट हो सकता है। इस पर सिब्बल ने कहा था कि आर्टिकल 367 में अमेंडमेंट करने के बाद ही आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट किया जा सकता है। संविधान क्या है? हालांकि ये सवाल सीजीआई चंद्रचूड़ ने नहीं बल्कि अपनी दलीलें पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने ही किए थे। सिब्बल ने इस सवाल के साथ अपनी दलील दी थी कि संविधान में मूल्यों का संग्रह है, ये वो मूल्य हैं जिनको लोग खुद रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। वहीं अगर आर्टिकल 370 जैसे कानूनों को हटा दिया गया तब लोगों की आवाज़ को ही बंद कर दिया जाएगा। सिब्बल ने कहा था कि फिर ऐसे में लोकतंत्र में बचेगा ही क्या। साथ ही सिब्बल ने सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच से उम्मीद जताते हुए कहा था कि उम्मीद है कि कोर्ट खामोश नहीं रहेगा। आर्टिकल 367-4 का जिक्र। आर्टिकल 370 की सुनवाई के तीसरे दिन आर्टिकल 367-4 का जिक्र भी हुआ, जिसके बारे में सीजीआई ने कहा था कि इस आर्टिकल को संविधान के साथ नहीं लाया गया था बल्कि इसको तो 1954 में लाया गया था। ऐसे में जब आर्टिकल 367-4 लाया जाता है तो आपकी दलील सही है तो 367-4 को मूल रूप से जोड़ा जाना भी मान्य नहीं है। जिस पर सिब्बल ने दलील दी कि अगर कुछ मौजूद ही नहीं होता है तो आप अनसर्टेनिटी का पता कैसे लगा सकते हैं। फिर सिब्बल ने कहा था कि ये पहला सिद्धांत है। हालांकि उस दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक दूसरे वकील गोपाल सुब्रमण्यन भी अपनी दलीलें पेश करने वाले थे, लेकिन सीजीआई ने कहा था कि क्या आप अगले दिन लंच के बाद अपनी दलील रख सकते हैं। उसके बाद गोपाल सुब्रमण्यन ने चौथे दिन अपनी दलीलें रखी, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।